तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को हम अलाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। अगर आप अलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और कैसे अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। वीडियो बनाने के लिए आपको यहाँ पे बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको दो तीन फ़ोन इंपोर्ट कर लेना है, एक है एमएस्टर्डम एंड जो दूसरा फ़ोन है वो एप्पल इमोजी करके iOS है। ओके, तो इन सही फ़ोन जो है ना आपको जहाँ पे देख लेना आप, सॉन्ग मटेरियल्स करके एक लिंक होगा सर्टिफाइड के नीचे, उस लिंक पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस देखो, वीडियो एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको ओके, सो वीडियो एडिट करने के लिए बिटमार में आ जाओगे, फ़ोन इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले आगे चले आना है। यहाँ पे आपको दो ग्रुप दिख जाएगा 14 सेकंड पे, आपको पहले ग्रुप पे क्लिक करना है। एडिट ग्रुप पे क्लिक करके आपको शुरू में आना है, प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी फोल्डर में आपका फोटो है ना, सिंपली आपको अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है एंड जो भी आपका फोटो है ना यहाँ पे, उस फोटो को एड करना है। ओके, तो कोई एक फ़ोटो को मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी एड कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे फोटो को ऐड कर लिया, फोटो ऐड कर लेना, ऊपर से रोड पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना एंड यहाँ पे सेलेक्ट करके लास्ट में आ जाना और इस वाले आइकन पे क्लिक करके इसका लेंथ बढ़ा लेना। फिर जस्ट इसके साइड में लॉन्ग प्रेस कर रखना है, इसको सेलेक्ट करके सेव के नीचे कर देना है। फिर इसी पे फोटो पर क्लिक करके आपको यहाँ पर क्लिक करना है, कॉपी लेयर करना है और यहाँ से बैक आना है एंड फिर से आपको चले आना है दूसरा ग्रुप में एंड एडिट ग्रुप पर क्लिक करके आपको फिर से पेस्ट करना है और जस्ट इसको सेलेक्ट करके नीचे कर देना है। ओके, एंड इस बार से ना आपको फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना सही से, इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे इतना कर लोगे ना तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से देख लो आप लोग, ओके, काफ़ी अमेजिंग लगेगा यहाँ पे देखने में। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना ये 16 सेकंड यहाँ पे जो बीट मार्क है, जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करके वही लेयर को यानी कि यही फोटो को पेस्ट लेयर कर देना है। ओके, स्लॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया भी कर लेना एंड यहाँ पे जो डबल बीट मार्क आपको दिख रहा है ना, जस्ट इसके आगे जो आपको एक सिंगल बीट मार्क है 17.4 सेकंड पे, जस्ट आपको यहाँ पे फोटो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम कर लेना। ओके, और ये डबल बिट मार्क है इस पर आ जाना एंड फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके फोटो में एक कट लगा देना। ओके, तो इस प्रकार से हम फोटो को ऐड कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको हम क्या मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 17.4 सेकंड पे आना थोड़ा गौर से देखो, प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपका दूसरा फोटो है ना सिंपली आपको उसको ऐड कर लेना है और थ्रोट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है। यहाँ पे आपको डबल बीट मार्क दिख रहा है बस, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी फोटो को ट्रिम नहीं करना है, आपको आगे जाना है और यहाँ पे जो आपको डबल बीट मार्क दिख रहा है 19 सेकंड पे, उसके बाद जो एक सिंगल बीट मार्क है 20.9 सेकंड पे, यहाँ पे आ जाना है और इस वाले आइकन पे क्लिक करके इमेज का लेंथ बढ़ा लेना है। ओके, एंड फिर आपको क्या करना है, इस प्रकार से पहले डबल बीट मार्क पे जाना है, फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे इस वाले ऑप्शन से फोटो में कट लगा देना है। फिर जो इसके आगे जो बीट मार्क है 18.12 सेकंड पे, सिंगल बीट मार्क, इस पर आ जाना है एंड यहाँ पे फोटो पे क्लिक करके इस वाले ऑप्शन से कट लगा देना है एंड इस प्रकार से बीच में जितना भी बीट मार्क है ना सभी बीट मार्क पे फोटो में कट लगा देना है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो फोटो को, इस प्रकार से हम कट लगा रहे हैं। फिर यहाँ पे हम फोटो को एड करेंगे 20.9 सेकंड पे, प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करेंगे, दूसरा फोटो को एड करेंगे, फिर से रोड पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करेंगे और ये डबल बीट मार्क को छोड़ देंगे। उसके बाद जो डबल बीट मार्क है उसके आगे जो सिंगल बीट मार्क है 23 सेकंड पे, यहाँ पे आ जाएंगे और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लेंथ पहले बढ़ाएंगे। उसके बाद जितना भी बीट मार्क है सभी बीट मार्क पे जा जाके फोटो पे क्लिक करके इस ऑप्शन से, लेकिन शुरू से आपको करते जाना है। ओके, लास्ट से मतलब इधर से नहीं करना है, शुरू से करते जाना ताकि फोटो एक लाइन से लगे। ओके, इस प्रकार से कट लगा देना है। ओके, एंड इसी प्रकार से हम दूसरा फोटो को, फिर यहाँ पे तीसरा फोटो को एड कर लेते हैं, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। ओके, एंड जहाँ पे लास्ट है वहाँ पे जाके इसको फोटो को पहले इसका जो लेंथ है बढ़ा लेंगे एंड जितना भी बीट मार्क यहाँ पे बीच में आ रहा है सभी बीट मार्क पे फोटो को ट्रिम कर लेंगे। ओके, बस यही जो थोड़ा सा काम है डिफिकल्ट है, उसके बाद आपको कुछ भी मतलब यहाँ पे आपको कठिन नहीं लगेगा। अब देखो इस क्या करना है, आपको यहाँ से बैक आना है एंड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट को ओपन करना है और जो पहला वाला फोटो ने इस पर क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है और बैक आना है, बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ओके, और यहाँ पे सिंपली आपको आगे चले आना है। ओके, आगे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको पहला वाला फोटो दिख रहा है ना यहाँ पे,
16 सेकंड पे 15 सेकंड पे इस फोटो पे क्लिक करके फैट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे जितना भी फोटो है जिस जो कि सिंगल बिट मार के बाद आ रहा है ना, सिंपली आपको सभी फोटो में पेस्ट करना है। यानी कि एक फोटो को हमने बहुत सारा पार्ट किया था बट उसको उस फोटो का जितना भी पार्ट रहेगा सभी फोटो को आपको सिंपली पेस्ट करना है, वही फोटो में पेस्ट करना है जो कि सिंगल बिट मार के बाद आ रहा हो। तो सिंगल बिट मार के बाद आ रहा है इसको कैसे पता करेंगे ये मैं आपको फिर अच्छे से बता देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देखोगे आपको ये एक जगह पे डबल बिट मार दिखेगा, कहीं पे सिंगल बिट मार दिखेगा, ओके। तो इसके जो नीचे इमेज है इसमें हमें पेस्ट नहीं करना है, इसके जो नीचे इमेज है इसमें हमें पेस्ट करना है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा सिंगल बिट मार्क मतलब, ओके। तो जितना ही फोटो सिंगल बिट मार्क के बाद आ रहा है सिंपली सभी फोटो में हम इफेक्ट को पेस्ट करेंगे, इस वाले इफेक्ट को, एक नंबर का इफेक्ट को। फिर हम यहाँ से सिंपली बैक आ जाएंगे, इतना करने के बाद फिर से एक इफेक्ट पोजिट को ओपन कर लेंगे और जो सेकेंड नंबर का इफेक्ट है इसको कॉपी कर लेंगे, ओके। एंड कॉपी करने के बाद फिर बैक आएंगे, बिट मार्क पोजिट को ओपन करेंगे और आगे जाएंगे, और आगे जाने के बाद अब जो जो भी फोटो बचा हुआ है ना जो कि डबल बिट मार्क के बाद आ रहा है सिंपली उन सभी फोटोज़ में इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे, ओके। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ओके। तो इस प्रकार से मतलब डबल बिट मार्क के बाद जो भी फोटो आ रहा है, वैसे डबल बिट मार्क के बाद जो फोटो कम है और जो सिंगल बिट मार्क के बाद फोटो था वो ज़्यादा था, ओके। तो यहाँ पे हम सिंपली सभी फोटोज़ में पेस्ट कर देते हैं, ओके। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने कर दिया। अब इतना करने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको शुरू में आ जाना है, ओके। और यहाँ पे जो पहला वाला टैक्स है ना इस पर क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है। उसके जो उसके आगे जो पेस्ट मतलब इफेक्ट सॉरी गाइस जो टैक्स है इन सभी टैक्स में आपको इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको सही फोटोज में इफेक्ट को सॉरी गाइस सभी जो है टैक्स में इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। अब जैसे आप पेस्ट कर लेंगे अब यहाँ से सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से बैक आके आपको सेक इफेक्ट पोजिट को ओपन करना है, ओके। मैं थोड़ा आगे बोल रहा हूँ, काम थोड़ा पीछे कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको सेक इफेक्ट पोजिट को यहाँ पे ओपन कर लेना है और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है और इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करके कॉपी टू लेयर करना है, फिर बैक आना है, बिटमार्क पोजिट को ओपन करना है और शुरू में ही आपको यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट टू लेयर कर देना है, ओके ओके। फिर आपको स्लाइड करके लास्ट में चले आना है, फिर यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है और इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके सिंपली इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, ओके। तो इसे इतना कर लेंगे आपकी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। अब ऊपर आपको शेयर का आइकन पे क्लिक करना है और अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।